इंतजार खत्म हुआ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 के प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रिजल्ट को अनाउंस कर दिया। जॉब पिंग में ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनफैक्ट इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यहीं इस चैनल पे मिलता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। लंबे इंतजार के बाद फाइनली छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC ने राज्य सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को घोषित कर दिया है, रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। आप होम पेज पे हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यू सेक्शन जो है साइड में, यहाँ पे आप देखो रिटर्न एग्जाम रिजल्ट स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2019, तो ये रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो चुका है। इसी लिंक पे जाकर के हम रिजल्ट को देख सकते हैं। चलिए इस लिंक पे चलते हैं। इस लिंक पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये प्रेस विज्ञप्ति ओपन होती है, जो प्रेस विज्ञप्ति CGPSC ने जारी की है, जिसके थ्रू रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग के विभिन्न 18 सेवाओं हेतु कुल 242 पदों के लिए विज्ञापन दिए गए थे। आप सभी को पता है कि 242 पदों के लिए रिक्रूटमेंट होना था इस बार के CGPSC एग्ज़ाम में, जिसमें अलग अलग 18 सर्विसेज इंक्लूडेड थी, अलग अलग डिपार्टमेंट के छत्तीसगढ़ स्टेट के अंडर जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें से। तो इसका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा हुआ था वो 9 फरवरी 2020 को हुआ था, रिटर्न टेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था इस डेट पे, और इसका रिजल्ट जो है वो आज अनाउंस कर दिया गया है। आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, इस वहीं से हमने ये PDF भी ओपन किया हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम इससे जो मेन एग्जामिनेशन है मुख्य परीक्षा है उसके लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकें। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमको पता है कि 242 पदों पर रिक्रूटमेंट होना था, तो उसके 15 टाइम्स मतलब 15 गुना अधिक अभ्यर्थियों को हमको इस प्रारंभिक परीक्षा के थ्रू छांटना था। अब हुआ ये है कि जैसे कि हमको सबको पता है कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए पोस्ट जो है वो डिसाइडेड रहता है, डिवाइडेड रहता है, बहुत सारी सीटें रिजर्व रहती है, सीट्स जो रहती हैं वो, तो उसके अकॉर्डिंग कहीं कहीं पर जो है क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स प्रॉपर क्वान्टिटी में जितने लोग चाहिए हैं उतने नहीं हो पाए थे, और कहीं कहीं पर जिनके मार्क्स सेम थे इस वजह से वहाँ पे डबल हो गए। तो टोटल अगर हम देखें 242 पद हैं, उसका 15 गुना अगर करें तो 3630 पोस्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 3617 अभ्यर्थियों को ही चिन्हांकित किया गया है, क्योंकि जो रीज़न अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहीं कहीं पर अनुपलब्धता है, मतलब लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं एग्ज़ाम के लिए। जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है, जो पेपर 2 होता है CSET का बोलते हैं, जिसको अगर आप परीक्षा को पास नहीं करोगे तो आपको काउंट नहीं किया जाएगा। तो मोस्टली यही केस हुआ है कि लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो अचीव ही नहीं कर पाए हैं, इसी वजह से कैंडिडेट्स कम हो गए हैं। यहाँ पे इक्वल मार्क्स कैंडिडेट्स को भी सेलेक्ट करने के बावजूद रिक्वायर्ड अमाउंट जो चाहिए था उतने कैंडिडेट्स यहाँ पर इस एग्ज़ाम में नहीं क्लियर कर पाए हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए 3617 अभ्यर्थियों को चिन्हांकित किया गया है। अब इन अभ्यर्थियों को मेंस एग्जामिनेशन के लिए फिर से अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनको करना पड़ेगा दोबारा से मेंस एग्जामिनेशन के लिए। इसके लिए जो डिटेल है वो आयोग की वेबसाइट पे अलग से जारी किया जाएगा, मतलब CGPSC के वेबसाइट पे, जो वेबसाइट हमने अभी देखी उस पे अलग से इसको अनाउंस किया जाएगा। तो चाहे तो आप वो वेबसाइट देख सकते हैं, चाहे तो हमारे चैनल को भी आप देख सकते हैं, हम इस पर भी आपको अपडेट करेंगे। जो भी आगे आयोग के वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा, ऑफिशियल अपडेट आएगा, वो हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। तो इसीलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। CGPSC से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर इसी PDF में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखित परिणाम जो है ये दिया हुआ है, ये सारे कैंडिडेट्स के रोल नंबर है जो सेलेक्ट हुए हैं, और ये रोल नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक एक करके ये दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ से आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं। इस PDF का लिंक आपको हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में भी मिल जाएगा, और आपको इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।